नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बजट के अंदर आपके लिए सबसे बेहतर 7 सीटर कार, चाहे वो SUV हो या फिर MPV, कौन सी है। 3 लाख से लेकर 33 लाख के बीच में, चाहे आपका बजट कोई भी हो, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 30 या फिर 33 लाख, उस बजट के अंदर सबसे बेहतर 7 सीटर कार आपके लिए कौन सी है। चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन में चाहिए हो या फिर ऑटोमेटिक में, पेट्रोल चाहिए हो या फिर डीजल, शहर में चलानी हो या फिर गांव में, 4x2 ऑप्शन चाहिए हो या फिर 4x4। इस वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके बजट के अंदर आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। इस वीडियो में मैं टोटल 15 गाड़ियों के ऊपर बात करने वाला हूं, जिनको मैंने एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कहीं पर भी मैंने ऑन रोड प्राइसेस की बात नहीं की है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ अपने बजट में आने वाली गाड़ियों को देखना चाहते हैं, तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो के कंटेंट को देख सकते हैं और वीडियो को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने बजट पर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि 3 लाख से लेकर 6 लाख के बजट के बीच में सबसे बेहतर 7 सीटर कार कौन सी है। इस बजट के अंदर फैमिली पर्पस के लिए सिर्फ एक 7 सीटर कार आ पाती है, डैटसन गो प्लस। गो प्लस के सभी वेरिएंट्स को उनके प्राइसेस के साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गो प्लस आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर मिल पाती है। इसमें आपको 19.44 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 48 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। अगर थर्ड रो को नीचे कर दिया जाए तो 347 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है। इसका बेस वेरियंट 3,86,000 से शुरू होकर 5,12,000 रुपए तक जाता है। गो प्लस के सिर्फ टॉप वेरियंट टी ऑप्शनल वेरिएंट को मैं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि जितनी भी सेफ्टी आपको मिल पाती है इसके टॉप वेरिएंट में ही मिल पाती है, सिंगल ड्राइवर एयरबैग के साथ में। अगर आप डैटसन गो प्लस में इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में और ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर अपर राइट कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7 लाख के बजट की। इस बजट के अंदर आपको मारुति अर्टिगा का पेट्रोल इंजन मिलना चालू हो जाता है, जिसका बेस वेरिएंट LXi और LXi ऑप्शनल इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाता है। अर्टिगा के पेट्रोल इंजन में आपको 17.50 KMPL का माइलेज मिल जाता है, 135 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, और सेफ्टी के मामले में इसके LXi ऑप्शनल वेरियंट में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अर्टिगा का पेट्रोल बेस वेरिएंट LXi में आपको सजेस्ट नहीं करता हूं, जबकि इससे मात्र 40,000 रुपए महंगा LXi ऑप्शनल वेरिएंट आपको लेना चाहिए, जिसमें आपको सेफ्टी ज्यादा मिल जाती है। अगर आप अर्टिगा में इंटरेस्टेड हैं और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर बने डिटेल्ड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के वीडियो को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि अर्टिगा को खरीदना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर अपर राइट कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 8 लाख के बजट के अंदर कौन सी कार आपके लिए सबसे बेहतर है। इस बजट में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मारुति अर्टिगा का पेट्रोल इंजन और महिंद्रा नूबो स्पोर्ट का डीजल इंजन। इन दोनों के कौन कौन से वेरियंट इस प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं, वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों में से मैं आपको अर्टिगा लेने के लिए सजेस्ट करता हूं, जिसमें आपको 17.50 KMPL का माइलेज मिल जाता है, 135 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि नूवो स्पोर्ट के डीजल इंजन में आपको 17.45 KMPL का माइलेज मिलता है और सेफ्टी के मामले में कुछ भी नहीं मिल पाता। चलिए अब बात करते हैं 9 लाख के बजट की। इस बजट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मारुति अर्टिगा, महिंद्रा नूवो स्पोर्ट, महिंद्रा TUV 300 और रेनोलॉजी। इन चारों के कौन कौन से वेरिएंट्स इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं, वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आने वाली लगभग सभी गाड़ियों को मैं चला चुका हूँ। कहीं कहीं पर ये बता पाना कि सिर्फ एक गाड़ी सबसे बेहतर है काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने रैंकिंग सिस्टम का यूज किया है। इंजन में मिलने वाली पावर, उस गाड़ी में क्लेम किया जाने वाला माइलेज, उसके साथ मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स, इसके अलावा उस गाड़ी के यूजर रिव्यूज कि उसके ओनर्स उस गाड़ी के बारे में क्या कहते हैं, इसके अलावा उस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू के आधार पर मैंने इन रैंकिंग्स को सेट किया हुआ है। 9 लाख के बजट से आपको 7 सीटर कार्स में
डीजल इंजन मिलना चालू हो जाते हैं। अगर आप इस बजट के अंदर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो कि फर्स्ट रैंक पे आ जाता है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसमें 24.52 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 135 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अर्टिगा के बाद सेकंड रैंक पे महिंद्रा TUV 300 आ जाती है, जिसमें 18.49 kmpl का माइलेज मिलता है, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, 384 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और थर्ड रैंक पे महिंद्रा नूवो स्पोर्ट आ जाती है, जिसमें 17.45 kmpl का माइलेज मिलता है, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, 412 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप 9 लाख के बजट के अंदर पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं, चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन हो या फिर ऑटोमेटिक, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, मारुति सुजुकी अर्टिगा। और उसी तरीके से अगर आप कंपनी से फिट हुई CNG 7 सीटर कार लेना चाहते हैं 9 लाख के बजट के अंदर, तब भी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, मारुति अर्टिगा, जिसमें 24.59 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं 10 लाख के बजट की। इस बजट के अंदर आपको 7 ऑप्शंस मिल जाते हैं, अर्टिगा, TUV 300, नूवो स्पोर्ट, रेनो लॉजी, जाइलो, होंडा BRV और स्कॉर्पियो। इन सभी गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट्स इस प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे पहली रैंक पर वापस मारुति सुजुकी अर्टिगा आ जाती है, जिसमें 24.52 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 135 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आ रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को आप दबा दीजिए और उसके बगल में आ रही घंटी को भी। सेकंड रैंक पे TUV 300 आ जाती है, जिसमें 18.49 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 384 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। थर्ड रैंक पे महिंद्रा नूवो स्पोर्ट आ जाती है, जिसमें 17.45 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 412 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और फोर्थ रैंक पे रेनो लॉजी आ जाती है, जिसमें आपको 21.04 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 207 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सिंगल ड्राइवर एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। रेनो लॉजी को लास्ट रैंक पर रखने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपको इसमें सिंगल ड्राइवर एयरबैग मिल पाता है, जबकि बाकी गाड़ियों में आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर एयरबैग के अलावा मैं बाकी चीजों पर ध्यान दूं तो रेनो लॉजी अर्टिगा से भी बेहतर ऑप्शन है। उसी तरह से नूवो स्पोर्ट में आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, सिर्फ इसी कारण से मैंने इसे रेनो लॉजी के ऊपर रखा हुआ है। अगर इसके अलावा मैं बाकी चीजों को कंपेयर करूं रेनो लॉजी से, तो नूवो स्पोर्ट लॉजी से काफी पीछे रह जाती है। चाहे मैं इंजन की बात करूं, माइलेज की, कैबिन स्पेस की या फिर कंफर्ट की, रेनो लॉजी बेटर है नूवो स्पोर्ट और TUV 300 से। और अगर मैं TUV 300 और नूवो स्पोर्ट के बीच के कंफ्यूजन की बात करूं, तो TUV 300 नूवो स्पोर्ट से एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप 10 लाख की प्राइस रेंज में डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, महिंद्रा नूवो स्पोर्ट। उसी तरह से इस प्राइस रेंज में आप पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, होंडा BRV, जिसमें 15.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स ही मिल पाते हैं। ABS और EBD आपको इस प्राइस रेंज में आने वाले वेरिएंट में नहीं मिल पाता। चलिए अब बात करते हैं 11 लाख के बजट की। तो इस बजट के अंदर भी आपको 7 ऑप्शंस मिल जाते हैं, अर्टिगा, TUV 300, नूवो स्पोर्ट, रेनोलॉजी, जाइलो, होंडा BRV और टाटा सफारी स्टॉर्म। इन सभी गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट रैंक पे होंडा BRV आ जाती है, जिसमें 21.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है,
सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और सेकंड रैंक पे मारुति सुजुकी अर्टिगा आ जाती है, जिसमें 24.72 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 135 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद थर्ड रैंक पे महिंद्रा की जायलो आ जाती है, जिसमें 14.02 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 400 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और थर्ड एंड लास्ट रैंक पर रेनो लॉजी आ जाती है, जिसका 110 PS इंजन आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें 19.98 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 207 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सिंगल ड्राइवर एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर रेनो लॉजी को लास्ट रैंक पर रखने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसमें आपको सिंगल ड्राइवर एयरबैग मिलता है, जबकि इस प्राइस रेंज में आने वाली दूसरी गाड़ियों में आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर एयरबैग के अलावा बाकी चीज़ों में बात करूँ तो रेनो लॉजी एक काफ़ी बेहतर कार है। इस प्राइस रेंज में अगर आप डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, महिंद्रा TUV 300 और नूवो स्पोर्ट। इन दोनों में से मैं TUV 300 को सजेस्ट करता हूँ, जिसमें 18.49 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 384 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है और ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। उसी तरह से अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, होंडा BRV, जिसमें 15.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 691 लीटर तक एक्सपेंडेबल है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EVD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 12 लाख के बजट के अंदर सबसे बेहतर 7 सीटर कार कौन सी है। इस बजट में आपको टोटल 5 ऑप्शंस मिलते हैं, रेनो लॉजी, महिंद्रा जायलो, BRV, स्कॉर्पियो और टाटा हेक्सा। इन सभी गाड़ियों के कौन कौन से वेरियंट इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आने वाली ये पांचों गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छी हैं। इन पांचों में से किसी में भी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण मैं आपको उसको लेने के लिए मना करूं। इसलिए इन पांचों गाड़ियों को रैंक वाइज सेट ना करते हुए आपके यूजेस के हिसाब से मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर आप सिटी ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, रूरल एरियाज में आपको कभी कभार जाना होता है, तो इस प्राइस रेंज में सिटी ड्राइविंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेनो लॉजी, जिसमें आपको 19.98 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 207 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सेकंड रैंक पे होंडा BRV आ जाती है, जिसमें 21.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ में। और अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर रोड अच्छी नहीं है या फिर खराब रास्तों पर अक्सर आपको अपनी गाड़ी ले जानी होती है, तो इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर ऑप्शन है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसमें 15.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और लगभग 460 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो के बाद दूसरा ऑप्शन है महिंद्रा जायलो, जिसमें 14.02 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 400 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस बजट के अंदर एक पावरफुल, स्पेशियस और कंफर्टेबल SUV कम MPV लेना चाहते हैं जो दोनों कंडीशंस, चाहे खराब रास्तों पर चलाना हो या फिर सिटी ड्राइविंग करना हो, परफेक्टली टैकल कर सके, तो इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेहतर ऑप्शन है टाटा हेक्सा। हेक्सा में आपको 14.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस प्राइस रेंज में एक पेट्रोल 7 सीटर MPV लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, होंडा BRV, जिसमें 15.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13 लाख के बजट की। इस बजट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, होंडा BRV, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी स्टॉर्म और XUV 500। इन चारों के कौन कौन से वेरियंट इस प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस प्राइस रेंज में अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट रैंक पर दो गाड़ियां आ जाती हैं, होंडा BRV और महिंद्रा XUV 500। होंडा BRV में 21.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि XUV 500 में 16 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, करीब 96 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। XUV 500 और होंडा BRV दोनों ही काफी अच्छी गाड़ियां हैं और यही कारण है इन दोनों गाड़ियों को एक साथ फर्स्ट रैंक पर रखने का। डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज पर कि इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। अगर आपको काफी पावरफुल इंजन चाहिए तो आपको XUV 500 प्रेफर करना चाहिए, और अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए तो आपको होंडा BRV को प्रेफर करना चाहिए। सेकंड रैंक पे महिंद्रा स्कॉर्पियो आ जाती है, जिसमें 15.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, करीब 460 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS और डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, होंडा BRV, जिसमें 15.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और उसी तरीके से अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं, तब भी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, होंडा BRV विद CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, इसमें 16 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14 लाख के बजट की। इस बजट में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, होंडा BRV, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा, इनोवा क्रिस्टा और टाटा सफारी स्टॉर्म। इन पांचों गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस प्राइस रेंज में आ जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज में अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट रैंक पर टाटा हेक्सा आ जाती है, जिसमें 14.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। हेक्सा में आपको काफी पावरफुल इंजन मिलता है, जिससे आप अपनी मनचाही परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं हेक्सा में मिलने वाले मल्टी ड्राइव मोड्स के सहारे। सेकंड रैंक पे महिंद्रा स्कॉर्पियो और होंडा BRV दोनों ही आ जाती हैं। स्कॉर्पियो में आपको 15.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है, करीब 460 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। सेफ्टी के मामले में ABS और डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, जबकि BRV में आपको 21.9 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपको अक्सर खराब रास्तों पर ड्राइविंग करनी होती है या फिर आप एक पावरफुल इंजन लेना चाहते हैं तो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिटी ड्राइविंग ज्यादा करनी होती है या फिर आप माइलेज ज्यादा चाहते हैं, तो आपको होंडा BRV को प्रेफर करना चाहिए। थर्ड रैंक पे टाटा सफारी स्टॉर्म आ जाती है, जिसमें 14 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 981 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, इनोवा क्रिस्टा, जिसमें 11.25 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, करीब 300 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रिपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं 15 लाख के बजट की। 15 लाख के बजट में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा, XUV 500 और इनोवा क्रिस्टा। इन चारों गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस प्राइस रेंज में आ जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज में अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो और XUV 500। ये दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर काफी सक्सेसफुल हैं। इन दोनों में से आप किसी भी गाड़ी को ले सकते हैं। XUV 500 में 16 kmpl का माइलेज मिल जाता है, करीब 96 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि स्कॉर्पियो में 15.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है, करीब 460 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS और डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। उसी तरह से अगर आप इस प्राइस रेंज में डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तब भी आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, XUV 500 और टाटा हेक्सा। XUV में 16 kmpl का माइलेज मिल जाता है, करीब 96 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि टाटा हेक्सा में 14.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है, करीब 128 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD,
हिल होल्ड कंट्रोल और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। राइड एंड हैंडलिंग की बात करूं तो टाटा हेक्सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में XUV 500 से बेहतर है। उसी तरह से टाटा हेक्सा ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल भी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पैकेज की बात करूं तो XUV 500 के साथ आपको बेहतर आफ्टर सेल सर्विसेज, बेहतर रीसेल वैल्यू और बेहतर सेफ्टी मिल जाती है। अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, इनोवा क्रिस्टा, जिसमें 11.25 KMPL का माइलेज मिल जाता है, करीब 300 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, ट्रिपल एयरबैग्स, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं 16 लाख के बजट में सबसे बेहतर 7-सीटर कार कौन सी है। इस बजट में आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, टाटा सफारी स्टॉर्म, महिंद्रा XUV 500 और इनोवा क्रिस्टा। इन तीनों गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस प्राइस रेंज में आ जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज में अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट रैंक पर एक साथ दो गाड़ियां आ जाती हैं, XUV 500 और इनोवा क्रिस्टा। अगर आप माइलेज ज्यादा चाहते हैं या फिर सेफ्टी ज्यादा चाहते हैं तो आपको XUV 500 को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप एक स्पेशियस 7-सीटर MPV लेना चाहते हैं जिसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और कंफर्ट लेवल बेस्ट इन सेगमेंट हो तो आपको इनोवा क्रिस्टा को प्रेफर करना चाहिए। XUV 500 में आपको 16 KMPL का माइलेज मिल जाता है, करीब 96 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि इनोवा क्रिस्टा में आपको 13.6 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, करीब 300 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, ट्रिपल एयरबैग्स, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और सेकंड रैंक पे टाटा सफारी स्टॉर्म आ जाती है जिसमें 14 KMPL का माइलेज मिलता है, 981 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस प्राइस रेंज में एक 4x4 7-सीटर लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, टाटा सफारी स्टॉर्म। अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, XUV 500 और इनोवा क्रिस्टा। XUV में 13.85 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि इनोवा क्रिस्टा में 10.75 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है और सेफ्टी के मामले में ABS, ट्रिपल एयरबैग्स, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप माइलेज ज़्यादा चाहते हैं या फिर सेफ्टी ज़्यादा चाहते हैं तो आपको XUV 500 को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप बेटर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी चाहते हैं या फिर स्पेशियस केबिन चाहते हैं तो आपको इनोवा क्रिस्टा प्रेफर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 17 लाख के बजट की। इस बजट में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा, XUV 500 और इनोवा क्रिस्टा। इन चारों के कौन कौन से वेरिएंट इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज में अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो कि फर्स्ट रैंक पे आ जाता है वो है टाटा हेक्सा, जिसमें 14.4 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, करीब 128 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। हेक्सा में आपको मल्टी ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप हेक्सा से अपनी मनपसंद परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। और सेकंड रैंक पे XUV 500 आ जाती है जिसमें 16 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, करीब 96 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस प्राइस रेंज में डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, XUV 500 और इनोवा क्रिस्टा। अगर आप माइलेज ज्यादा चाहते हैं या फिर सेफ्टी ज्यादा चाहते हैं तो आपको XUV 500 को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप बेटर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, बेटर कंफर्ट और स्पेशियस केबिन चाहते हैं तो आपको इनोवा क्रिस्टा को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, इनोवा क्रिस्टा, जिसमें 11.25 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। उसी तरह से अगर आप डीजल इंजन 4x4 में लेना चाहते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसमें आपको 15.4 KMPL का माइलेज मिल जाता है,
करीब 460 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS और डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18 लाख के बजट की। इस बजट में आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, टाटा हेक्सा, XUV500 और इनोवा क्रिस्टा। इन तीनों के कौन कौन से वेरिएंट इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज में अगर आप डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिलते हैं, टाटा हेक्सा और XUV500। XUV500 में आपको 16 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, करीब 96 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी के मामले में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं कंफर्ट लेवल और स्पेशियस केबिन की बात करता हूं तो हेक्सा एक्सयूवी से बेटर है। लेकिन अगर माइलेज, सेफ्टी, रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विसेज पर ध्यान दिया जाए तो एक्सयूवी कहीं ना कहीं हेक्सा से आगे निकल जाती है। और अगर आप इस प्राइस रेंज में 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिलते हैं, टाटा हेक्सा और XUV500, जिसमें से आपको हेक्सा को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि हेक्सा में आपको सेफ्टी, कंफर्ट, पावर और स्पेस ज्यादा मिल जाती है XUV500 के कंपैरिजन में। और अगर आप इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, इनोवा क्रिस्टा। आगे बढ़ते हैं और 19 लाख के बजट की बात करते हैं तो इस बजट में सिर्फ दो गाड़ियां आ पाती हैं, XUV500 और इनोवा क्रिस्टा। XUV500 का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाता है, जबकि इनोवा क्रिस्टा का 4x2 वेरिएंट डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाता है। इन दोनों गाड़ियों के इस प्राइस रेंज में आने वाले वेरिएंट्स एक दूसरे से काफी अलग हैं, इसलिए आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। तो ये दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर काफी सक्सेसफुल हैं। 19 लाख के बाद अगर मैं 20 लाख, 21 लाख, 22 या फिर 23 लाख की बात करता हूं तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल पाता है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं, चाहे मैं स्पेस की बात करूं, राइड एंड हैंडलिंग की, कंफर्ट की, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर मेंटेनेंस की, सभी चीजें इसमें आपको काफी अच्छी मिल जाती हैं। इस वीडियो में इन्वॉल्व की गई कोई भी गाड़ी आपको 24 लाख, 25 लाख या फिर 26 लाख के बजट में नहीं मिल पाती, इसलिए डायरेक्ट बात करते हैं 27 लाख के बजट की। 27 से 33 लाख के बजट के बीच की बात करते हैं तो आपको इसमें तीन लग्जरी 7-सीटर SUVs मिल जाती हैं, टोयोटा फॉर्चुनर, फोर्ड एंडेवर और पजेरो स्पोर्ट। इन तीनों गाड़ियों के बारे में मैं ओवरऑल बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से कौन सी गाड़ी को आपको इग्नोर करना चाहिए। इन तीनों में से आपको पजेरो स्पोर्ट को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको काफी कम फीचर्स मिल पाते हैं, काफी कम सेफ्टी फीचर्स मिल पाते हैं। अगर मैं रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करूं तब भी ये गाड़ी बाकी दोनों से काफी पीछे रह जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्च्यूनर और एंडेवर की। अगर मैं फोर्ड के पर्टिकुलरली प्रोडक्ट एंडेवर कार के बारे में बात करूं तो ये फॉर्च्यूनर से बेटर है। एंडेवर की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी फॉर्च्यूनर से बेटर है। एंडेवर में आपको फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं जो फॉर्च्यूनर से काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा एंडेवर का 3.2 लीटर इंजन फॉर्च्यूनर से ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्च्यूनर की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी बेकार है या फिर उसमें आपको काफी कम फीचर्स मिलते हैं या फिर वो अंडर पावर्ड है, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो एंडेवर इन मामलों में फॉर्च्यूनर से आगे निकल जाती है। लेकिन अगर रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विसेज, रिलायबिलिटी और ऑफ रोडिंग की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर एंडेवर से आगे निकल जाती है। कुल मिलाकर अगर आप एक लग्जरी 7-सीटर SUV लेना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका बजट टाइट है तो आप एंडेवर का बेस वेरिएंट 2.2 लीटर इंजन ले सकते हैं जो फॉर्च्यूनर के बेस वेरिएंट से करीब 2.25 लाख रुपए सस्ता मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप किसी मेजर सिटी में रहते हैं जैसे किसी मेट्रो में या फिर किसी कैपिटल में तो आपको एंडेवर को प्रेफर करना चाहिए फॉर्च्यूनर के ऊपर। एंडेवर आपको डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही मिल पाती है जबकि फॉर्च्यूनर पेट्रोल हो या फिर डीजल, मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सभी में मिल जाती है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी का 4x4 लेना चाहते हैं तो
तो आपको फॉर्चुनर का 4x4 वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में करीब 2.25 लाख रुपए सस्ता मिल जाता है एंडेवर के 4x4 वेरिएंट से। उसी तरह से फॉर्चुनर का 4x4 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में करीब 51,000 रुपए सस्ता मिल जाता है एंडेवर के 4x4 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। इसके अलावा अगर आप फॉर्चुनर या फिर एंडेवर में से किसी गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन दोनों गाड़ियों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं जिनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए और कौन सी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर अपर राइट कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई में आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो चलिए, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है आपके कंफ्यूजन को खत्म करने की या फिर कम से कम करने की, लेकिन अगर किसी तरीके का डाउट फिर भी रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।